सभी स्टूडेंट्स को इस बात की प्रॉब्लम होती है कि गेट का एग्जाम कैसे किया जाए जब वहाँ पे 14 और 15 सब्जेक्ट पेपर्स होते हैं जिसको उन्हें कवर करना होता है, और वो इम्पॉसिबल है कि इतना ज़्यादा आप उसे किस तरह से याद रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक गाइडलाइन बनाई है आपके लिए जिनमें आपको ध्यान रखना है कि कुछ सब्जेक्ट्स को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, जिस सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, जिस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स, दूसरा है सिग्नल सिस्टम्स, तीसरा है आपके सामने एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसे आप लोग EMFT भी बोलते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। अभी रिसेंटली थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके एडवांस माइक्रो प्रोसेसर के भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सारे के सारे अटैच्ड होते हैं या लिंक्ड होते हैं विद द 8085। तो हमारा कॉन्शियसनेस सिर्फ इसी बात पे होना चाहिए कि हमारे पास अगर ये सब्जेक्ट्स कवर्ड है सो हम लोग यहाँ पे नियर अबाउट 85 क्वेश्चंस में से 55 और 60 क्वेश्चंस का रेशियो अटेंड कर सकें। लेकिन अब उसमें से सही कितने करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने तैयारी किस तरह से की है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स, इसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एनर्जी, फर्मी एनर्जी, कंसंट्रेशन, ND और ND पे, एक्सेप्टर एंड डोनर के ऊपर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे ज़्यादा, और उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है और उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो हमें अच्छे से याद रखना है। देन आपको ट्रांजिस्टर की फोटो दे दी जाएगी और उस ट्रांजिस्टर से आपको आउटपुट निकालना होगा। क्लियर? क्लिपर, क्लैम्पर, इन पे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? तो उसके बाद में आपके पास में आता है हाइब्रिड, हाइब्रिड पेयर्स जितने भी हैं आपके पास में ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, HFE, HRE, HIE जिसको आप पढ़ते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूला से सॉल्व हो जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि आप उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करें। सिग्नल सिस्टम्स, FFT, फूरियर फास्ट ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन, सैम्पलिंग थ्योरम, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है। और उसके बाद में अगर इनमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बना तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके किस पे, फूरियर सीरीज पे। क्लियर? तो सैम्पलिंग और फूरियर सीरीज का कॉम्बिनेशन आता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन आता है। तो हर बार जब पैटर्न जब तैयार होता है गेट का तो वो इस तरह के पैटर्न के साथ में चलता है कि जिसमें 2 या 3 ग्रुप्स के कॉम्बिनेशंस हो। क्लियर? देन यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप, ये 2 सिग्नल्स ऐसे होते हैं जिस पे बेस्ड आपको एडवांस और डिले विद सैम्पलिंग, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं तो उसे आपको समझना चाहिए थोड़ा। देन एनालॉग कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, फिल कम्युनिकेशन, इन दोनों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एम्पलीफायर्स जो आपके आप यहाँ पे यूज में लेते हैं डिटेक्टर के लिए, और उसके बाद में आप उसका डिटेक्शन और जो आप उसकी मॉड्यूलेशन करवा रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें जो यूज में आते हैं वो न्यूमेरिकल्स नहीं होते, उसके अंदर वो बिल्कुल बेसिक से इसको शुरू करता है। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ताकि हमारा गेट का एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाए। इसी के साथ में हमें कुछ और चीज़ों की जरूरत है कि हम इसे पढ़े कहाँ से। पढ़ने के लिए सबसे पहली किताब मैं जो रिफ़र करूँगा और आप लोग भी इसे पढ़ते हैं, गर्गोडिया पब्लिकेशंस, देन कनोडिया, GK पब्लिशर्स की जो किताब आती है दैट इज़ गुड। GK पब्लिकेशन की किताब के क्वेश्चंस एज इट इज छपते हैं जैसा कि वहाँ पे दिया हुआ है। एक मैंने आपको एक नाम दे रखा है रमेश पब्लिकेशंस, पिछले 3 सालों से ऐसा हो रहा है कि आधा पेपर रमेश पब्लिकेशंस की जो किताब आती है जो गेट प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज में लेते हैं उससे रिलेटेड है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी तैयारी करें उसके साथ में इन सभी को पढ़ते हुए अपने हैंडमेड नोट्स जरूर बनाएं। अगर किसी के पास में IAS PhD से बनाए हुए नोट्स हैं दैट्स इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी करेंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ में आप मेलमान अरकियास, वैकेनबर्ग जो नेटवर्किंग की किताब है, नेटवर्क्स एनालिसिस के लिए यूज में लेता है, देन आप सैमुअल वाई लियाओ जिससे आप EMFT एज वेल एज माइक्रोवेव से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें आप देख सकते हैं, जॉन डनलप उसकी किताब से आप
थोड़ा सा टेली कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं, ताकि अगर टेलीफोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आप उसे आराम से अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आप रोजर फ्रीमैन की किताब पढ़ सकते हैं, ये बड़ी बड़ी किताबों के नाम जरूर है, लेकिन हाँ अगर आप उसे पढ़ेंगे देन आप उसे ब्रीफ नॉलेज जो शुरू से लेके एंड तक की जो नॉलेज है आप उसे गैप कर पाएंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्टार्ट इसी के साथ आप हमारा जो चैनल है उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो और उसके साथ में जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसी क्वेश्चन बैंक्स भी हम लोग अवेलेबल करने वाले हैं, तो आप उसे पढ़ के उससे जितनी आपको